देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मर्तबा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इसराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाज़ा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओएसी का है, और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे भाई? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 CCTV कैमरा लगे हुए हैं, और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी हो नहीं हो रहा है, अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाकया हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग? देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मर्तबा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इसराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाज़ा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओएसी का है, और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे भाई? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 CCTV कैमरा लगे हुए हैं, और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी हो नहीं हो रहा है, अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाकया हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग?